हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए वो उसके प्रिंसिपल्स थे टीचिंग के, और इसके साथ साथ कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं ये टॉपिक किया, और फैक्टर्स क्या होते हैं अफेक्टिंग टीचिंग ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के मैक्सिमम्स जिसे सूत्र भी बोल दिया जाता है कि टीचिंग के सूत्र जो है वो क्या है। देखिए, जो एक शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, इसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। टीचिंग के अंदर देखिए कि टीचिंग के अंदर एक टीचर और एक लर्नर, या मैं ये कहूं कि एक बहुत सारे लर्नर्स जो है इससे जुड़े होते हैं, तो उन लर्नर्स के आउटकम्स दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टीचिंग। जितनी अच्छा इंटरेक्टिव प्रोसेस जाएगा, जितनी अच्छी टीचिंग होगी, हम ये मानते हैं कि उतना ही अच्छे जो लर्नर के बीच में ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे, और शिक्षा का जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप हो पाएगा। इसलिए उन लर्निंग आउटकम्स को अच्छे तरीके से बाहर लाने के लिए कि जितना इनपुट जो है टीचिंग के द्वारा, टीचर के द्वारा डाला जा रहा है, क्या उतनी ही आउटकम्स जो है वो हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही है, इस चीज को प्रॉपरली करने के लिए टीचिंग के क्या बनाए जाते हैं, कुछ सूत्र बनाए जाते हैं, कुछ मैक्सिमम्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। या मैं ये कहूँ कि टीचिंग को फ्रेम करना जो है वो बहुत नेसेसरी है। फ्रेम के अंदर हम कहें कि टीचिंग की प्रॉपरली प्लानिंग आ जाती है, टीचिंग की प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो जब टीचिंग की ऑर्गेनाइजेशन करी जा रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सूत्रों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम्स को फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस के बिहाफ पर टीचिंग करते हैं तो टीचिंग जो है प्रोफेशन इतना अच्छा इफेक्टिवली जो है वो डेवलप होता है कि जितना कि अगर हम रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं उसके अंदर। तो अगर हम एक इफेक्टिव टीचिंग, गुड टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो गुड टीचिंग और इफेक्टिव टीचिंग के लिए मैक्सिमम्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से मैक्सिमम्स हैं, तो सबसे पहला जो मैक्सिमम्स आता है दैट इज प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। देखिए, जब बच्चा क्लास के अंदर आ रहा है तो हमेशा उसके पास क्या होती है, देयर इज सम प्रीवियस नॉलेज। तो हमेशा कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए, यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। बच्चे का जो प्रारंभिक ज्ञान है या उसकी जो पुरानी जानकारी है वो टीचिंग के अंदर टीचर के द्वारा हमेशा यूज करी जानी चाहिए, या मैं ये कहूं कि हमेशा प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए जो न्यू कंसेप्ट है दैट शुड बी फॉर्म्ड। उसको जब फॉर्म किया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है, तो हमेशा जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर नए कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से सीख पाता है, और लर्निंग और टीचिंग जो है वो इफेक्टिवली क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो अगर हम टीचिंग को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा जो है वो नॉन से अननोन की ओर जो है वो टीचर को जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आता है, आपका चीजें हमेशा सरल से जटिल की ओर जानी चाहिए। सरल से जटिल का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई भी टीचिंग करी जा रही है तो टीचिंग के अंदर प्रेजेंट क्राइटेरिया जो भी होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, इजी आइडिया जो है वो फर्स्ट टीच किए जाने चाहिए। फर्स्टली टीच हमेशा जो है वो इजी आइडियाज जो है वो पहले टीच किए जाने चाहिए, ताकि टीचर के बीच में
और लर्नर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सके और बच्चों का जो कंटेंट के बिहाफ पर कोई फियर फैक्टर है, उनको कोई हेजिटेशन हो रही है, वो चीज क्या है उनकी दूर हो सके। जैसे आपके पास सिंपल सा एग्जांपल है कि आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप बच्चे को क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स है वो बच्चे को शो किए जाने चाहिए। जब आप उनको शो करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स जब आप शो कर रहे हो तो उससे आप क्या देखोगे, कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बच्चा उन चीजों को जानता है, समझता है और उसका कंटेंट के साथ क्या है, इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। माइंड की जो एबिलिटीज है, कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, वो कंटेंट के पास जो है वो आ जाएगी और टीचिंग जो है वो क्या हो जाएगी, करवानी इजी हो जाएगी या बच्चों को समझाना क्या है आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम आता है दैट इज प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट के मतलब क्या होता है, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। जो चीज हमारे सामने है, जो चीज प्रत्यक्ष है, उनको पहले बताया जाना चाहिए, फिर बच्चों को जो है उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है वो डेवलप करनी चाहिए। अब प्रत्यक्ष चीजें बाद में जो है उनको समझाई जानी चाहिए। इस तरह से कंसेप्ट अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इफेक्टिव बनेगा इसके अंदर। अगर हम बच्चों के बोधात्मक स्तर को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उदाहरण दिए जाएं वो मूर्त से कहां जाने चाहिए, आपके अमूर्त की ओर जो है वो जाने चाहिए। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है इसके अंदर कि आप बच्चे को 3+4 जो है वो क्या होता है, 7 होता है, ये पढ़ाना चाहते हैं। तो छोटी क्लासेस के अंदर अगर आप 3 से 4 7 बता रहे हैं तो वहां बच्चे को क्या कर रहा है, थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इमेजिनेशन की ओर ध्यान पड़ रहा है। उसी में अगर आप बच्चे को पढ़ा देते हो कि आपके पास 3 कार्ड्स हैं प्लस आपके पास क्या है, 4 कार्ड्स हैं, वो चीज टोटल क्या हो जाएंगे, आपके पास 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो है, यहाँ जो कंसेप्ट को यूज किया तो यहाँ पे टीचिंग क्या हो गई, आपकी मूर्त से कहाँ चली गई, अमूर्त की ओर चली जाएगी। इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल है कि अगर आप ट्रायंगल्स या डिफरेंट शेप्स पढ़ाना चाहते हो तो बच्चे को अगर आप पहले शेप दिखा दो, उसको कॉन्क्रीट के बिहाफ पर आप बताओगे कि ये ट्रायंगल की शेप है, ये रेक्टेंगल की शेप है, ये स्क्वायर की शेप है, तो बच्चे को चीजों को इमेजिन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब वो अपने सराउंडिंग एरिया में किन्हीं भी चीजों को देखेगा तो वो आसानी से बता सकता है कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये आपका ट्रायंगल है। तो कॉन्क्रीट से कंसेप्ट को कहाँ जाना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना चाहिए। कभी भी अब्स्ट्रैक्ट से कंसेप्ट जो है वो कॉन्क्रीट की ओर नहीं आना चाहिए अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। हमेशा उसके लिए कॉन्सेप्ट कैसा चलना चाहिए, पर्टिकुलर टू जनरल चलना चाहिए।
जैसे आप ये कहते हो कि कोई भी ग्रामर पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो हिंदी है इंग्लिश है, उसके साथ साथ कोई भी हम कहें साइंस के सब्जेक्ट्स अगर पढ़ाए जा रहे हैं, तो जब साइंस के सब्जेक्ट के ग्रामर पोर्शंस पढ़ाए जा रहा है तो वहां पर आप क्या देखोगे, मोस्टली जो मैक्सिमम यूज किया जाता है दैट इज पर्टिकुलर टू जनरल, वहां पहले क्या बताए जाते हैं बच्चों को, हमेशा क्या दिए जाते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम कहां जाते हैं रूल की ओर जो है वो जा रहे हैं। जैसे आप ग्रामर के अंदर कोई भी चीज करा रहे हो, चाहे आप टेंस करवा रहे हो, चाहे आप उसके अंदर मुनास करा रहे हो, क्लोज कोई भी चीज करवा रहे हो, तो वहां पहले बच्चों को आप एग्जांपल देंगे और फिर उनके रूल्स को आप उनको समझाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचिंग आसान हो जाएगी, प्रॉपरली उनको क्या है अच्छे तरीके से डिफाइन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो है वो किस तरह का है, दैट इज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या लेते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर देखिए, जब बच्चा स्कूल में आता है, क्लास में आता है, तो उसके पास बहुत सारी क्या होती हैं, प्री कंसेप्शंस होती हैं, पूर्व धारणाएं होती हैं, या मैं ये कहूं कि उसके पास क्या होती है, नॉलेज होती है, बट दैट नॉलेज इज इनसफिशिएंट, इनडेफिनेट एंड इनकम्प्लीट। तो उसका जो एक्सपीरियंस है जो कि इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, इनडेफिनेट है, उन चीजों को डेफिनेट बनाने के लिए, उन्हें अपनी नॉलेज के बिहाफ पे सफिशिएंट बनाने के लिए हमेशा कंटेंट को एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर जो है वो जाना चाहिए। पहले बच्चों क्या करे, अलग अलग एग्जांपल या अलग अलग चीजों को याद करके हमेशा क्या करे, पहले एनालाइज करे और फिर उसके बाद जो है उसका सिंथेसाइज करे। जैसे मैं ये कहूँ कि किन्हीं दो चीजों के अंदर अंतर करना है, तो अंतर तभी हो पाएगा जब पहली चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए और दूसरी चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। आप अंतर पहले नहीं पूछ सकते कि हाँ इन दो चीजों के अंदर अंतर क्या है। अगर आप अंतर पढ़ाना चाहते हैं तो उस अंतर को पढ़ाने के लिए पहले जो दो चीजें हैं उनको अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो जहां हम उस अंतर को पढ़ाने के लिए उन दो चीजों को डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या है, एनालिसिस है। फिर कहां जा रहे हैं हम, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस की ओर जा रहे हैं। जो इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट नॉलेज, अगर आप पहले आप डिफरेंसेस ले जाते हो और फिर आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हो तो वो कंसेप्ट जो है या वो टीचिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, बच्चों को कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं प्रोसीड फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल। हमेशा पहले एक्सपीरियंस होने चाहिए, बच्चा जो है किन्हीं भी चीजों को पहले ऑब्जर्व करे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड, पहले क्या है ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए। बच्चा हर चीज को, हर जानकारी को पहले ऑब्जर्व करे, उसका कलेक्शन करे, उसको इकट्ठा करे, इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर हमेशा क्या है आर्ग्यूमेंट, आपस में क्या है
आप ये कह सकते हो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। हर चीज का पहले अनुभव एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, फिर ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो तर्कपूर्ण है किसी चीज को लॉजिकल जो है। अगर हम बिना किसी भी चीज की जानकारी पूर्ण रूप से लिए बिना, अनुभव लिए बिना अगर हम तर्क करते हैं तो वो तर्क हमारा क्या हो जाता है, जो लॉजिक है वो इलॉजिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस कंसेप्ट की इतनी नॉलेज ही नहीं है। इसलिए बच्चों को भी जब आप किसी चीज के ऊपर डिस्कशन के बिहाफ पर डिस्कस कर रहे हो, बच्चों के आसपास आप बात आपस में इंटरेक्शन के बिहाफ पे वाद विवाद करवा रहे हो, तो हमेशा पहले बच्चे को अनुभव होना चाहिए उस चीज का, कंटेंट को अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाए, ये चीज होनी बहुत जरूरी है, फिर ही वो क्या करेगा तर्क जो है वो कर सकता है। अगर नहीं हो पाएगा तो हम कहें जो आप कोई भी वर्क एक्टिविटी करवाना चाहते हो वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट कहता है प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल को हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य। जानकारी देना बहुत जरूरी है। पहले उसके हम कहें कि कंटेंट मटेरियल को जब वो सिलेक्ट कर रहा है तो उसके बिहाफ पर हमेशा जो बच्चे का इंटरेस्टिंग लेवल है, उसकी एबिलिटीज हैं, उसकी एप्टीट्यूड्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उसके बारे में जानकारी दे। तो पहले साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, फिर उसको हम लॉजिकल मानेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं हम कोई भी चीज प्री कंसेप्शंस के बिहाफ पे जो है हम बोल सकते हैं, प्रसिप्ट कर सकते हैं कि ये चीज जो है वो हो सकती है, बच्चा इस चीज को इस तरीके से कर सकता है। आप सिर्फ देखकर किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा डल है, या ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। आप पहले उसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज के बारे में जानिए, उसके इंटरेस्टिंग एबिलिटी हर चीज को, फिर उसको आप लॉजिकल पूर्ण के बिहाफ पर जो है वो लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट मतलब पूर्ण से अंश की ओर। जब किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाया जाना है तो हमेशा होल पूर्ण चीजों को दिखाना बहुत जरूरी है। ये गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका मानना था, उनकी थ्योरी थी कि अगर आप अंडरस्टैंडेबल किसी को बनाना चाहते हैं, किसी के बोधात्मक स्तर को बहुत अच्छे तरीके से अगर विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले चीजों को पूर्ण रूप से बच्चों के सामने दिखाया जाना चाहिए, फिर उसके अंशों के बारे में जो है उसे एक्सप्लेन करना है। अंशों के बारे में एक्सप्लेन करें, जैसे हम ये कहें कि आप बच्चे को स्केलेटन सिस्टम सिखाना चाहते हैं या उस चीज के बारे में डायग्नोज करवाना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो पहले आप पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम बच्चे को दिखाइए, फिर आप उसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो आप समझा सकते हैं। अगर आप पहले पार्ट्स बता रहे हैं फिर आप पूरा का पूरा पार्ट दिखा रहे हैं तो दो टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्या है कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम जैसे ये कहते हैं कि पार्ट्स और प्लांट पढ़ाना, पार्ट्स और प्लांट पढ़ाना है तो पहले बच्चे को पूरा का पूरा प्लांट दिखाया जाना चाहिए, प्लांट दिखाकर फिर उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो उसको क्या है एक्सप्लेन किए जाने चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट किया था जिसमें पर्टिकुलर टू जनरल की बात हमने करी थी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात करी थी, उसमें क्या था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाने से पहले बच्चे को क्या करना है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स दिखाने हैं, तो पूरा फ्लावर को दिखाया जाए फिर उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जो है उसे बताया जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम होल टू पार्ट के रूप में लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर दैट इज proceed from definite to indefinite। Thank you.
फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट. गुड टीचिंग जो है, इफेक्टिव टीचिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द डेफिनेट कंसेप्ट, नॉट द इनडेफिनेट कंसेप्ट. जो डिफाइंड है, जो परिभाषित है, पहले उन चीजों को बताया जाना चाहिए, जो फिक्स्ड है उन चीजों को बताया जाना चाहिए, फिर उनको जो है आप उसके ऊपर बेस्ड जानकारी जो है आप दे सकते हो. जैसे हम ये कहें कि बच्चे को, अगर आप ये कहें कि बच्चे को अगर आपने क्या सिखाना है, बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, बच्चे को डिवीजन सिखाना है, बच्चे को स्क्वायर रूट सिखाना है, तो इन सब चीजों को सिखाने से पहले आपको क्या बताना जरूरी है, जो डेफिनेट चीज है. डेफिनेट चीज क्या हो जाएगी कि टेबल के बारे में बच्चे को इंफॉर्मेशन, टेबल याद करवानी जो है वो नेसेसरी हो जाएगी. तो इस तरह से इन कंसेप्ट्स के बिहाफ पे चला जाता है, तो उसे क्या माना जाता है, डेफिनेट से इनडेफिनेट. कभी भी मल्टीप्लीकेशन, डिविजन या स्क्वायर रूट ये बाद में नहीं, पहले नहीं करवाए जाते. पहले बच्चे को क्या है, टेबल करवाई जाती है. क्यों? क्योंकि उस टेबल के ऊपर ही ये सारी की सारी चीजें क्या है, बेस्ड है. चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे आपका डिवीजन है, चाहे वो आपका मल्टीप्लीकेशन है. कंसेप्ट याद करना, बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जब हम डेफिनेट से कहां जा रहे हैं, इनडेफिनेट की ओर जो है वो जा रहे हैं. तो हमने मैक्सिमम्स देखे. मैक्सिमम क्या थे, कि किसी भी टीचिंग को गुड बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, या लर्निंग आउटकम्स को डिजायरेबल बिहेवियर के बिहाफ पर लेके आना है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम्स फॉलो करना बहुत जरूरी है. जिसके अंदर हमने कौन कौन से मैक्सिमम देखे, सबसे पहले हमने ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करी, नॉन से अननोन की बात करी, कि हमेशा पहले प्रीवियस नॉलेज, जो न्यू नॉलेज है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज. सिमिलरली नेक्स्ट किया हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा इजी कंसेप्ट पहले पढ़ाया जाना चाहिए, फिर उसके ऊपर डिफिकल्ट पार्ट जो है वो दिया जाना चाहिए. नॉलेज शुड बी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. इमेजिनेशन अगर हमें डेवलप करना है तो पहले डायरेक्ट, या हम कहें प्रत्यक्ष चीजें जो है उसे विजुअलाइज करनी बहुत जरूरी है, फिर हम इमेजिनेशन की कल्पना या सोच सकते हैं. नेक्स्ट आया आपका पर्टिकुलर टू जनरल. कोई भी चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमेशा पहले जो है वो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से क्या है, हमें रूल की ओर जो है वो जाया जाना चाहिए. एनालिसिस टू सिंथेसिस. अगर हम दो चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएशन अगर बच्चों से पूछ रहे हैं, तो पहले दो चीजों के बारे में बताना जरूरी है, फिर हम उसको कंक्लूड या हम कहें कि उसके डिफ्रेंशिएशन की बात जो है हम कर सकते हैं. हमेशा जो है, अगर हम तार्किक आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन हमेशा क्या है, अनुभव के ऊपर जो है वो आधारित होनी चाहिए. होल टू पार्ट कंसेप्ट अच्छे तरीके से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा पूर्ण चीजों को, किसी भी चीज को पूर्ण रूप से बच्चे को दिखाया जाना चाहिए, फिर उसके पार्ट्स के बारे में जो है उसे बताया जाना चाहिए. लास्ट हमने किया प्रोसीड फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट. पहले जो चीजें क्या है, फिक्स्ड है, जो कंसेप्ट क्या है, परिभाषित है, पहले उन चीजों को क्या है, बच्चे को डिफाइन किया जाना चाहिए, फिर उसके ऊपर बेस्ड जो इनडेफिनेट कंसेप्ट्स हैं वो बच्चे को जो है वो करवाए जाने चाहिए. ये क्या है, दीज आर द मैक्सिमम्स. और मैक्सिमम किस लिए है, दैट शुड बी यूटिलाइज फॉर द गुड टीचिंग. और दैट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी जो मैक्सिमम दैट शुड बी यूज इन द एवरी सब्जेक्ट. नो, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी मैक्सिमम जो है वो यूज हो सकता है. हर चीज जो है, इनको करवाने का मेन मोटो क्या है, कि टीचिंग को क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है. लेकिन इसमें ये कोई नेसेसरी नहीं है कि एक लेसन में जो है वो सारे के सारे मैक्सिमम यूज हो जाए, और दूसरे लेसन में भी क्या है वही लेसन, वही मैक्सिमम जो है वो यूज होगा. नहीं, मैक्सिमम शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हमेशा मैक्सिमम्स जो है, जब हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज के अंदर, हमेशा कंसेप्ट जो है वो क्या होने चाहिए आपके, या मैक्सिमम्स जो है लेसन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, या जो आपका सब्जेक्ट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो होने चाहिए. अगर मैक्सिमम्स फॉलो किए जा रहे हैं तो लर्निंग आउटकम्स पॉसिबली हमारे पास जो है वो आएगा. आज हमने मैक्सिमम का टॉपिक कंप्लीट किया. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.